हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। थंबनेल सबसे पहले होता है कि इसके बारे में बात कर लेते हैं। थंबनेल होता है जब आप यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोज़ मतलब यूट्यूब ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियोज़ के ऊपर इमेजेस लगी होती हैं, तस्वीरें लगी होती हैं, जिसके ऊपर वो करेक्टर भी लगे होते हैं जिनका वो सॉन्ग वगैरह हो रहा होता है। उसके ऊपर बता भी रहते हैं इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो एक इमेज होती है, उस इमेज को हम कहते हैं थंबनेल। तो आज हम वो बनाना सीखेंगे कि हम उस थंबनेल को अपने वीडियो के लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं अपने क्रोम के अंदर। क्रोम में जाने के बाद आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी है, फ्री बताने लगा हूँ, फ्री क्या कहते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपना थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल से होता क्या है, थंबनेल से होता है कि आपकी वीडियो जो सी है वो अट्रैक्टिव लगती है और लोग आपके वो देखने आपकी वीडियो को देखने आते हैं और उस थंबनेल को देख के। जितना आपका थंबनेल होगा अच्छा, उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे व्यूज़ आए होंगे। तो सबसे पहले हम इधर चले जाते हैं, उसका नाम है वेबसाइट का नाम है कैनवा। देखने के बाद अगर आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आप इधर तो क्लिक कर लें और यहाँ पर कैनवाने के बाद इसको मैं दोबारा इंटर कर लेता हूँ। हाँ, ये आ गया कैनवा, ये आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे www.canva। उसके बाद यहाँ पर साइनअप का क्या रहता है, तो अगर आपने साइनअप करना है साइनअप कर लें, अगर नहीं करना तो आप साइनअप ना करें। सिंपल आप इधर लिखें थंबनेल। यहाँ से मैंने थंबनेल लिख के इंटर किया, एक न्यू विंडो ओपन हो गया इधर। यहाँ पर हमें न्यू इसके डिज़ाइन वगैरह आएंगे थंबनेल के, जिसको हम एडिट करके अपने मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप टू फ्री, आप इसे साइन अप करके भी यूज़ कर सकते हैं और बिना साइन अप किए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी लोडिंग ले रहा है, तो इधर मैं दोबारा से सर्च करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, स्नैपचैट वेडिंग यूट्यूब थंबनेल, व्लॉग यूट्यूब थंबनेल, म्यूजिक यूट्यूब थंबनेल, फूड, फिर हर तरह के आपको थंबनेल मिल जाएंगे, लाइव स्ट्रीम के लिए मुताबिक भी मिल जाएंगे। तो सिंपल ये हमारे साइट पर आ गए हैं प्रीसेट जिनको हम यूज़ करने वाले हैं थंबनेल के लिए। तो ये इधर हम लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, इधर हम लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल। अब आ जाएंगे जो साइट के ऊपर सारे थंबनेल यूट्यूब वाले, हम क्रॉस कर देते हैं। ये देखें ये साइट पे ये थंबनेल आ गए हैं। तो इन्हें यूज़ करते हुए हम अपना नया थंबनेल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम कौन सा है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद ये जिस तरह ये ओपन होता है, ये देखें ये ओपन हो गया और ये इमेज ये देखें थोड़ी ब्लर हो रही है, ये थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगी। तो हम चेंज भी कर सकते हैं इमेज को। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं, ये आपको और भी थंबनेल वगैरह मिल जाते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। जो से फ्री वाले हैं वो यूज़ करेंगे और पेड हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सब कुछ फ्री में करने वाले हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे सारा लोड हो रहा है, नेट स्लो होने की वजह से तो आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रहा है। सिंपली इसके नाम बता दूँ, ये इमेज अभी लोड हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह आ जाता है थंबनेल। आपने देखा होगा वीडियो इसके अंदर भी ऐसा ही शो हो रहा होता है। ये देखिए जैसे साइड पर है, ये जिस बारे में वीडियोज़ बनानी हो, देखा दिस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ इन 2 वीक। इस तरह का पढ़ने के बाद लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं और जल्दी जल्दी से आपकी वीडियो देखने चले जाते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, तो इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये मिल गया।
इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, इस पर कॉपी कर लिया। हम इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमें ये तीन चीज़ें मिल रही हैं, ये भी है, ये भी लोड नहीं हुए, ये हो गए हैं लोड। लोड होने के बाद ये देखें इमेज को इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो इसको आप इग्नोर करें। ये साइड पर देखें ये चीज़ें, तो ये अच्छा अच्छा लोड हो गई है, इमेज भी ठीक हो रही है। देखें इसके बाद कैनवा का है वाटरमार्क, कैनवा इधर भी कैनवा है और ये पीछे भी कैनवा है। तो इसके बाद कैनवा का वाटरमार्क लगा हो इसको हमने यूज़ नहीं करना। तो हम चलते हैं अपने पहले की तरफ ही, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। ये इन्हें देख सकती है इसके अंदर कैनवा का कोई भी चीज़ नहीं है, और इसके अंदर ये अच्छा भी लग रहा है। तो सिंपली इसको हम साइड पर कर लेते हैं, और ये इसको भी हम पहले हम पेस्ट करते हैं इसके ऊपर, कॉपी कर लिया जाते हैं यूट्यूब थंबनेल, पहले हम किधर गए थे, इधर इधर जाते हैं। अब हम जैसे इसको हमने करना है कॉपी कॉपी में हमने करना है इसे पेस्ट, ऐसे करना लो, ये इधर आ गया। इसको हमने करना है यहाँ से डिलीट, डिलीट करने के बाद इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया फ्लिप का ऑप्शन, तो इसको हमने इधर को फ्लिप कर लेना है। इधर को फ्लिप करने के बाद इसे रख देना है हमने इधर, ठीक है। इसको हमने ले आना है इधर, सिंपल है, इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे। हम ले आएंगे इधर, और ये जो से हमारी तीन चीज़ें हैं हम उठा के लेके जाएंगे इधर, पीछे वाले भी ले चले गए, हम बाद में इधर ले आते हैं। ये आ गया इधर, काफ़ी सिंपल है। इधर आपने ये लिखा हो इस वीडियो गोड, इधर हम लिखेंगे सिंपली आओ टू, टू के अंदर स्पेस दे देते हैं, मेक 1 मिलियन व्यूज की जगह लिखेंगे हम हमने लिखा। थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे ताकि जो से एल नीचे है वो ऊपर आ जाए, वो एल ऊपर आ गया। यहाँ से हम इसे छोटा कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए। हमने इधर हम लिखेंगे और YouTube को भी हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे आगे को, और इसको भी हम थोड़ी सी इसके साइज कम करेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो बस स्टार को बढ़ लिया कम निकल लिया इतना, स्टार को हम इधर ले आएंगे। यहाँ से हम इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जो आपने रखना है। ये मैंने इसके अंदर देखा शेड ब्लैक कर दिया, येलो के अंदर हम ये पर्पल भी कर सकते हैं, या फिर हम स्टार को ही पर्पल कर लें और इसके अंदर एयर जोन है वो येलो कर दें। ये देखें हम इसके अंदर देख सकते हैं हल्का हल्का बिल्कुल लाइट लाइट नज़र आ रहा है, ये रेड है, ऑरेंज, येलो सभी कर सकते हैं। पर हम इसको स्टार का कलर हम रखेंगे ऑरेंज, और इसके अंदर येलो ही वो रहने देंगे, पर्पल इसे नहीं हम करेंगे। तो सिंपली ये हमारा बन गया है थंबनेल। जब यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से आप इसके क्या करते हैं, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपने को फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा, जिस पर मैंने इस पर क्लिक किया वो वाला फ़ॉन्ट आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा। देखिए ये वाला हो गया, पहले ये था ये हो गया। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें वो अपने पहले जैसा ही चाहिए जैसा वो पहला था, ये वाला। और इसके अलावा आप इधर से इसके भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए उसके मुताबिक ऐसे रख सकते हैं।
वाइट चाहिए, जौन सा चाहिए, और उसके बाद यहाँ से आप ये चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ बोल्ड भी आप कर सकते हैं अगर आपने वो फॉन्ट बोल्ड वाला यूज़ किया है। इसके बाद छोटा बड़े भी आप इसे कर सकते हैं। उसके नीचे आप लाइन वगैरह बस में इफेक्ट आ जाते हैं। इफेक्ट के अंदर आप जैसे इसके चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट जोन से शेडो जोन से शेडो है ये जोन से देख पीछे चेंज हो रहा है हल्का सा। भाई ये वाला फॉन्ट है इसमें आप ये कर सकते हैं, लगता है ये आ जाता है, ये आ जाता है इसमें, इसमें ये आ जाता है टिकटॉक वाला, उसके बाद ये आ जाता है न्यू के अंदर, और ये आ जाता है सबसे सिंपल ये वाला है। इसको आप इजीली यूज़ करें, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, इसमें भी हम ये इफेक्ट यूज़ करेंगे, इसे फुल कर देंगे, फुल नहीं वो थोड़ा सा ही करेंगे, के अंदर भी हम ये करके इसे फुल कर देंगे। तो सिंपली ये मैंने थंबनेल बना लिया है, जिसके ऊपर मैंने लिखा है हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब, और यही थंबनेल मैं आपके वीडियो के ऊपर लगाऊंगा, जिसको देख के आप आएंगे और जैसे आप थंबनेल बना सकते हैं। और आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। सिंपली नीचे करें, बैकग्राउंड पर क्लिक करें, यहाँ से इसका कलर चेंज करें, देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, येलो ब्राउन ब्लैक, ये देखें ब्लैक, ब्लैक पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक के अलावा अगर हम इसके ऊपर ये ग्रे सा थोड़ा सा कर लें, ये वाला कलर, तो इसके ऊपर और भी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको इधर रहने देंगे, इधर रखने के बाद हम इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद इधर डाउनलोड है, डाउनलोड पर आपने यहाँ पर जाना है, डाउनलोड पर करने के बाद आपने यहाँ से PNG जो उनसे सजेशन पर होगा इसको आपने चेंज करके JPG में कर लेना है। JPG में करने के बाद आपने यहाँ से ना साइज़ चेंज करना है, ना यहाँ से क्वालिटी चेंज करनी है, उससे सिंपल यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड क्लिक करने के पहले आपको इधर साइन अप करना पड़ता है, अगर साइन अप करना है तो कर लें, नहीं तो आप रहने दें, सिंपल यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। मैं आपको पहले भी बताया था अगर आपने साइन अप करना है तो यहाँ से साइन अप कर लें, वरना आप ना करें। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया साइन अप करने का, पर मैंने साइन अप नहीं किया, फिर भी ये मेरे इधर डाउनलोड हो गया, ये देखें। तो ये हमने आज हमने अपना थंबनेल बनाया, ये देखें कितने ईजी और सिंपल है। ये सिंपल आपने इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से अपना थंबनेल बनाना है, जिसका नाम है कैनवा। फिर सिंपली हमने थंबनेल बनाया, तीन चार चीज़ों को यूज़ करने के बाद अगर आप कोई और इफेक्ट भी चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट टैब के अंदर भी खोल सकते हैं, इधर से आप एलिमेंट भी सर्च करके ले सकते हैं, इधर से आप खुद भी अपलोड करके चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करने के बाद जैसे आप अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर में से भी लोड कर सकते हैं, और इधर क्या कहते हैं लोड करके इमेज जिसका आपने थंबनेल बनाना है किसी गेम का या किसी भी अपने डेस्कटॉप का, इधर पीछे बैकग्राउंड पर लगा के इमेज उसके ऊपर आपने ये अगर करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा इधर टेक्स्ट वगैरह भी हैं, टेक्स्ट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल आपने क्लिक करना है और आपके ये टेक्स्ट वगैरह इधर ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे इतना सिंपल सा था जो कि हमने आज यूज़ किया अपना, ये कहते हैं हेडिंग के लिए है, ये शॉर्ट हेडिंग के लिए है, छोटी बिल्कुल स्मॉल लिखने के लिए है, तो आप जैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इधर यूज रिसेंट पर आ गया, ये थोड़ा नेट लेगा, उसके बाद ये इधर आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो सिंपली हम यहाँ से करते हैं डिलीट 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 और डिलीट डिलीट, ये नेट स्लो होने की वजह से इतनी देर बाद लोड हुआ है। ये देखें ये आ गया, इसको आप अजन सेल या फिर इधर आप कुछ भी आप लिख सकते हैं इधर, और आप इसको भी यहाँ से इसको कस्टमराइज कर सकते हैं, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल ये हमारी वीडियो थी, जिसके अंदर आज हमने देखा कि हम अपना थंबनेल कैसे बनाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।